या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। NHM यानी स्वास्थ्य समिति के तहत अनुबंध पर कार्यरत प्रदेश भर के कार्यरत लगभग 1700 कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार से सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिला मंडी के कर्मियों ने भी इस सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया। स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ मंडी के महासचिव नवनीत गुलेरिया ने कहा, राज्य कार्यकारिणी के आदेशानुसार इस सांकेतिक हड़ताल में जिला मंडी के सभी NHM कर्मचारियों ने अपना रोष व्यक्त किया। वहीं इस कड़ी में प्रदेश भर के सभी कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर 6 दिन तक अपनी ड्यूटी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति की प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था कि सभी स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत लगे कर्मचारियों के लिए स्थायी वेतनमान या स्थायी नीति की घोषणा प्रदेश सरकार पर करे, पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा, अब सभी स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत प्रदेश भर के सभी कर्मचारी अब तो आंखें खोलो सरकार नारे के साथ काम छोड़ो आंदोलन पर बैठ गए हैं। नमस्कार, मैं नवनीत गुलेरिया, महासचिव राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मंडी। जैसा कि प्रदेश सरकार को हमने 25 तारीख से 26 तारीख तक का अल्टीमेटम प्रदेश सरकार को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा दिया गया था, जिसमें हमने सरकार को कहा था कि सरकार हमारे लिए स्थायी वेतनमान या स्थायी नीति निर्धारण के लिए कोई अधिसूचना जारी करे, अन्यथा हमारे प्रदेश भर के सभी कर्मचारी 2 फरवरी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। लेकिन पिछले कल ही हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, उसमें हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के जितने भी नेतागण थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इस जो हमारे काम छोड़ो आंदोलन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब तक सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाएगी। तो मेरा फिर सरकार से एक बार फिर निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए और हमारे लिए स्थायी वेतनमान और स्थायी नीति निर्धारण के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। धन्यवाद।